प्रश्न काट दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला नैमिषारण्य से वापस राजधानी के लिए लौट रहा है और वो हेलीकॉप्टर से आए थे, उस नज़ारे को भी हम दिखाएंगे। और अब काफिला मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इस समय उनका काफिला निकल रहा है। ये गाड़ियों से बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हेलीपैड की तरफ पहुँच रहे हैं और जो है इस समय आप देख सकते हैं कि काफिला उनका निकलता हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और कुछ ही देर बाद हेलीपैड से वापस राजधानी के लिए लौटेंगे। तो वो उस नज़ारे को भी दिखाएंगे और उनकी गाड़ियां एक एक कर निकल रही हैं। देखिए, इस गाड़ी में आगे बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और हम आपको आगे ले चलेंगे और आगे का भी हाल दिखाएंगे जब वो हेलीकॉप्टर से बैठकर राजधानी लखनऊ के लिए कूच करेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अब पहुंच चुका है हेलीपैड पर, और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो स्थानीय नेता थे उनसे मुलाकात करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे हेलीकॉप्टर पर पहुंच रहे हैं बैठने के लिए, और स्थानीय विधायक गण और सांसद उनसे मुलाकात कर वापस लौट रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देख सकते हैं आप, बस कुछ ही देर बाद उड़ने वाला है और उनका हेलीकॉप्टर नैमिषारण्य से राजधानी लखनऊ के लिए कूच करेगा। दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे स्थानीय सांसद मिश्रिक अशोक रावत और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, रामकृष्ण भार्गव विधायक, मनीष रावत विधायक, ज्ञान तिवारी विधायक और जिला पंचायत की अध्यक्षा मुलाकात कर वापस लौट रही हैं। तमाम उच्च अधिकारी आपको देख सकते हैं, जिसमें कमिश्नर हैं रोशन जैकब और ADG हैं अमरेंद्र कुमार सिंगर, IG तरुण गाबा आपको नज़र आएंगे, और दूसरी तरफ जिला अधिकारी अनु सिंह और पुलिस अधीक्षक आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर यहां से उड़कर राजधानी के लिए चलेगा और इस समय हेलीकॉप्टर बस चलने वाला है, और देख सकते हैं हेलीपैड पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सीधी तस्वीरें हम हेलीपैड से आपको पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में आए थे। नैमिष की महत्ता को उन्होंने बताया कि नैमिष का कैसे पुराणों में वर्णन है, और साथ ही कहा जब नैमिषारण्य का विकास होगा तो स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ होगा। अयोध्या के विकास का वर्णन किया और अयोध्या के विकास के वर्णन में बताया कि जब अयोध्या का विकास करा रहे थे उस समय जो है लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उनके व्यापार बढ़ने शुरू हुए तो लोगों ने कहा 30 गुना ज़्यादा व्यापार हो गया है। अब नैमिषारण्य का भी व्यापार बढ़ेगा क्योंकि नैमिषारण्य उनकी प्राथमिकता में है उसके विकास को कराना। और अब देख सकते हैं अब कुछ ही देर बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक घंटे से भी ज़्यादा समय तक रुके, संतों को लेकर उन्होंने मंच पर एक तस्वीर भी पेश की। संत ने उन्हें जब माला पहनाई तो उन्होंने भी संत को माला पहनाई, और साथ में नैमिष के महत्व के साथ साथ सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। और इसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि अब हेलीकॉप्टर बस अब से कुछ ही देर बाद यहां से उड़ने वाला है। सीधी तस्वीरें आपको उस हेलीकॉप्टर की जो नैमिषारण्य से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आए थे, जो यहां रुक गए हैं वो बाद में जाएंगे, उनके बुलावे पर आए थे। और मंच पर आज सिर्फ और सिर्फ साधु संत थे, और सबसे बड़ी बात ये थी पूरा जो पंडाल था वो भगवामय था, और यही कारण है कि धर्म और सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने वर्णन किया वो बेमिसाल थी। और आपको जो सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अब देखिए कुछ ही देर बाद जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ पहुँचेंगे। ये राजकीय हेलीकॉप्टर है और जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य आए थे। 22 फरवरी को आने का कार्यक्रम था, लेकिन 21 फरवरी का कार्यक्रम इसलिए हो गया क्योंकि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है हो रहा है बनारस,
इस वजह से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य आए। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री का आगमन है नैमिषारण्य के लिए, और आपको बताएं कि इससे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो दो बार और आ चुके थे, और सीतापुर में अगर बात करें तो 13वीं बार मुख्यमंत्री का सीतापुर में आगमन हुआ है। तो मुख्यमंत्री का नैमिषारण्य से लगाव, नैमिषारण्य की महत्ता और नैमिषारण्य के विकास को लेकर जो उन्होंने आज कहा, वो आने वाले समय में नैमिष में बहुत कुछ शायद दिखाई देगा, क्योंकि नैमिष विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। मेरे ठीक पीछे अब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, और इसी हेलीकॉप्टर से, और देखिए ये उड़ चुका है अब हेलीकॉप्टर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं वापस। देखिए आपको नज़र आ जाएंगे बैठे हुए इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये हेलीकॉप्टर राजधानी लखनऊ के लिए वापस मुख्यमंत्री का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक झलक और उद्बोधन सुनने के लिए आज तमाम साधु संत और मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जो श्रद्धालु थे वो आए हुए थे, और उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना, संतों के बीच में सुना, जो कथा सुन रहे थे उसके बीच में एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी संत हैं, उनकी कथा को सुना और कथा श्रवण किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और सहयोगी निशांत गुप्ता व सुनीत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।